दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना की टीम का देश में मंगलवार को लाखों फैंस ने स्वागत किया। जश्न राजधानी ब्यूनस आयर्स में मनाया गया। पूरी टीम खुली छत वाली बस पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। इस दौरान बहुत ही बड़ा हादसा होते होते बचा है। छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बच गए हैं। जश्न के दौरान जब फैंस की भीड़ बस की ओर उमड़ी तो मेसी को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा है। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता बाल बाल बचे हैं। ये दोस्तों 5 खिलाड़ी बस की छत पर बैठे थे, अचानक से बिजली के तार आ गए थे और ये दोस्तों गिरते गिरते बचे। बहुत ही बड़ा हादसा टल गया है। अर्जेंटीना की सरकारी एजेंसी टेलेम के मुताबिक ब्यूनस आयर्स के स्मारक स्थल पर लगभग 40 लाख लोग मौजूद थे। वहीं मेसी की तस्वीर वायरल भी हो रही है जिसमें वह वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से चिपका कर सो रहे हैं। ये फोटो उन्होंने खुद पोस्ट की। जीत के बाद उनकी ट्रॉफी को चूमने और टेबल डांस की फोटोज वायरल हो रही है। अर्जेंटीना ने 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराकर यह खिताब जीत लिया है, जिसके बाद दोस्तों पूरे अर्जेंटीना के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन यहाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा टल गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लियोनेल मेसी बस की छत से गिरते गिरते बचे। तो दोस्तों इस समय अर्जेंटीना के अंदर जश्न मन रहा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।